चल झूठा कहीं का, झूठ बोल रहा है ये, झूठ बोलने में इतना नंबर वन है ना। नहीं है। चल नहीं लग रही मेरे को। चल खोल ले लेना फिर, और कोई चक्कर नहीं है। तो गाइज ऑलमोस्ट मेरी मैगी जो है पक चुकी है, मैं थोड़ी सी मैगी निकाल के टेस्ट करता हूँ और खाता हूँ। हेलो गाइज, क्या हाल चाल। तो गाइज अभी सुबह का जो टाइम हो रहा है 12:45 हो रहे हैं, सॉरी दोपहर हो चुकी है, और एक बार फिर से मैं रेडी हो गया हूँ, आप देख सकते हो। और रेडी कहाँ जाने के लिए हुआ हूँ, एक बार आप सामान देखो समझ जाओगे। तो आज का जो मेरा और आदि का प्लान है वो है कहीं हम बाहर जाएंगे और मैगी वगैरह बनाएंगे यार, तो कैंपिंग छोटी थोड़ी से दिन को जाके ना अभी हम बाहर ही मैगी बनाएंगे और थोड़ा सा टेस्टिंग भी हो जाएगी इस सामान की जो मैंने ले रखा है, तो एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो गाइज एक तो ये है चूल्हा जो कि लिया हुआ है मैंने, और ये होता है इसमें जलती है बुटेन गैस वाला होता है ये, और ये छोटा सा चूल्हा बहुत ही अच्छा है। तो अब आज इसका रिव्यू करेंगे, जाएंगे, एक मैंने काफ़ी बंदों ने देखा है कि काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं, तो चलो इसको अभी बंद करते हैं और चीज़ें मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, और चीज़ें दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या है। और एक ये ले रखा है मैंने मैट, बट आज तो वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम दिन में जा रहे हैं। और दूसरा ये कुछ बर्तन लेके जा रहा हूँ मैं जो कि मैगी बनानी है, 2 बॉल लेके जा रहा हूँ, और ये चम्मच वगैरह है, ठीक है, और ये है इसमें मैगी बनाएंगे हम, और ये है वाटर टैंक, ये 5 या कितने लीटर का है, ये छोटा सा वाटर टैंक है। और जो दूसरा होता है उसमें ना पानी निकालने में बड़ी दिक्कत आती है, तो ये मेरे पास घर पे पड़ा हुआ था, तो मैंने बोला यार क्यों ऐसे पैसे खर्च करने, तो इसी को यूज़ करते हैं। वैसे मेरे पास इससे बड़ा भी है एक, तो बट ये बेस्ट रहेगा गाड़ी में कहीं भी आने जाने के लिए, ठीक है। और बस यही है, और मैंने आपको हाँ एक चीज़ और है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी छोटी सी मसालदानी, इसमें मैंने 2-3 चीज़ें डाली हैं क्योंकि अभी मसाले मैंने ज़्यादा डाले नहीं हैं, नमक हल्दी जीरा जूरा ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, तो आज मैं इसको दिखाऊंगा नहीं अच्छे से। तो गाइज अब एक काम करते हैं, यहाँ से जल्दी से जाके निकलते हैं और जाके अच्छी सी जगह देखते हैं और वहाँ पर जाके कुछ खाने के लिए बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहो, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ये मेरी फर्स्ट जो है ऐसा सा कुछ बाहर जाके बना के खाने का है। लास्ट टाइम जो गया था मैं गया था हिमाचली कपल के साथ, बट वो उनके साथ गया था तो कल्ला नहीं था, मतलब है ना, ये सोलो है विद आदि, डे कैंपिंग विद आदि इन द रेन। तो आज बाहर भी बारिश हो रही है, अच्छी बारिश हो रही है दबा के, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं और सीधा चलते हैं कैंपिंग करने। और ये देखो अंधेरे में मैडम लेटी हुई है। हाँ जी चलना आपने, हेलो नहीं। क्यों, ये और ऑस्कर दोनों घर पे ही रहेंगे। तो गाइज अब हम रेडी हो चुके हैं और निकल रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, और ऑस्कर देखो कैसे बैठा है। ऑस्कर आपने चलना, जाना अपने साथ में, देखो मुंह फुला के बैठ जाता है, ये मुंह फुला देता है, देखो आप खुद देखो। ऑस्कर जाना आपने, इसको पता मुझे लेके तो जाएगा नहीं है, ऑस्कर जाना अपने साथ में, देखो देखो आप नहीं रिएक्ट करेगा, चल ठीक है बाय। तो गाइज अब हम दोनों आ चुके हैं गाड़ी में, सामान कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है पीछे और कुछ सामान जो है डिग्गी में पड़ा हुआ है, अब निकलते हैं यहाँ से, थोड़ा सा सामान एक दो सामान बाहर लेना है मैगी वगैरह मार्केट में, तो जल्दी से जाते हैं और सामान लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से पार्टी करने के लिए। फिर एक्साइटेड हो आदि? हाँ, एक्साइटेड हूँ बहुत। चलो फिर चलो है चलो। तो गाइज मैं सीरियसली बोलूं मेरी सारी गाड़ी डूब चुकी है और मुझे ना ऐसे गिल्ला गिल्ला लग रहा है कहीं गाड़ी में पानी ना आ गया हो। पूरा नदी सी हो गई है, पूरी नदी बन गया है यहाँ पे, तो यार मतलब कमाल हो गया यार, कमाल। पहली बार देखी मैंने तो ऐसी नदी, पर मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं ना ऐसा नहीं हो जाए ना कि कहीं पानी, देखो कितना वो छल रहा है, पापा की गाड़ी गंदी हो रही है, ये देखो, ओ भाई मजा आया, ये है ना असली ड्राइविंग। चलो फिर करता हूं मैं गाइस, मैं आपको वीडियो के लिए कर रहा हूं, यहां पे आसपास कोई नहीं चल रहा इसलिए कर रहा हूं।
ठीक है, तो ये मत सोचना कि औरों को देखो अब यहाँ पे हैं लोग हैं तो अब नहीं करूँगा मैं। तो फाइनली गाइज हमें अपनी जगह मिल चुकी है। यहाँ पे कुछ खास तो है नहीं, जंगल में है बट जगह ठीक है। यहाँ पे देखो मधुमक्खी पालन होता है तो हम इसके जंगल में घुस चुके हैं। यहाँ पे भाई थेवार उनसे हमने परमिशन ले ली है और ये कैमरा लग गया है मेरे। यहाँ पे बारिश के छींटे पड़ रहे हैं, अगर भाई ख़राब नहीं हो, ज़्यादा बारिश होगी तो मैं इसको बंद कर दूँगा। और ये कुछ इस तरह से गाड़ी है, आने का तो आ गई, जाने का पता नहीं भाई कैसे जाएगी, नहीं तो ये हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि मैं आदि जो है मैगी खाता है बिना मसाले की, मतलब बिना प्याज व्यूज कुछ भी नहीं डालता। तो सबसे पहले मैं इसकी मैगी बनाता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ पानी गर्म करके जो है उसमें मैगी बनानी है और कुछ भी नहीं करना है क्योंकि ऐसी ही मैगी खाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें पानी भरते हैं, इसमें पानी भर लेते हैं अच्छे से। तो गाइज अब ये हमारी गैस जल चुकी है और आधिक का जो है पानी गर्म होने के लिए रख दिया है मैंने। तो अब देखते हैं बस गिरे ना यार ये। आज हमारा फर्स्ट टाइम है बाहर कुकिंग करने का, तो इसको थोड़ी देर गर्म होने देते हैं। उतनी देर में अपनी मैगी के लिए प्याज और टमाटर काट लेता हूँ। ये मैं टमाटर वगैरह लेके आ गया था, प्याज वगैरह लेके आ गया था, उतनी देर में उसके लिए काट लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पे जो है आदित्य की मैगी बन रही है और मेरी मैगी के लिए जो है अब मैं प्याज काटने लगा हूँ। तो एक बार आप देखो जरा, भाई पापा प्याज और टमाटर काट रहे हैं। ये गाइस हमारा देसी बोर्ड है, ये मैं लेके इसलिए आया था कि इसमें ये भी रख सकते हैं और बना भी सकते हैं। बस ये है कि इसको मैं आने वाले टाइम पे ना थोड़ा सा यहाँ के लिए एक वो लगा दूंगा, यहाँ बाहर जो ट्रे बाहर निकल सके। अभी मैंने वो जुगाड़ किया नहीं है, वो भी मैं बड़ी जल्दी कर लूँगा, अभी अंदर ही ठीक है। ठीक है, तरफ जो है आदित्य की मैगी पक रही है और दूसरी तरफ मैं अपना सामान काट रहा हूँ। ठीक है, तो अब आदित्य वीडियो बना रहा है, मुझे नहीं पता कैसी बन रही है। हाँ। जैसी भी है अच्छी होगी यार। गाइस आदित्य की मैगी पक चुकी है, अब ये आदित्य का बॉल है, इस बॉल में डालते हैं, ये मैगी खाने के लिए ही लेके आए हैं हम। तो अभी इस बॉल में डालते हैं मैगी को। एक मिनट रुक जाओ, इसको बंद करने दो। तो ये बंद कर दिया है मैंने, अब बॉल में डालते हैं। बॉल आगे करो गाइस, ये आदित्य की मैगी जो है बन चुकी है। ठीक है, तो आदित्य को देता हूँ मैं खाने के लिए। तो गाइस पापा ने बहुत अच्छी मैगी बनाई है, सच में बहुत टेस्ट करके मैं बताता हूँ, बहुत अच्छी है वैसे तो, देखना। इनके टेस्ट से ही पता लग रहा है बहुत अच्छी है मैगी। तो गाइस ये सारी चीजें जो है ना मैं सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ कि आप एंटरटेन हो और आप मुझे सपोर्ट करें। और मैं सीरियसली बोलूं, अब मुझे थोड़ी सी सपोर्ट मिल भी रही है, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरी वीडियो को देखते हो। मैंने शॉर्ट्स डाल रहा हूं, मैं आजकल काफ़ी शॉर्ट्स डाल रहा हूं, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा मेरे चैनल की रीच बढ़ रही है। तो गाइज एक रिक्वेस्ट है कि लॉन्ग वीडियो को भी आप सपोर्ट करो यार, है ना, दबा के सपोर्ट करो। और अगर सीरियसली बोल रहा हूं, अगर आप मुझे अच्छे से सपोर्ट करोगे, अच्छे से मैं डेली घूमा के ले आऊँगा आपको कहीं ना कहीं नई जगह पर, मैं पूरे इंडिया के टूर पे निकल जाऊंगा अगर आप मुझे अच्छे से सपोर्ट करते रहोगे तो। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं बंदा थोड़ा सा पागल किस्म का हूँ, अगर मुझे थोड़ी सी अच्छी सपोर्ट मिलने लग जाए ना, अगर अच्छी सी होप मिलने लग जाए ना, तो आप बोलोगे कि नहीं यार ये भाई ने ना सच बोला था कि मुझे कहाँ कहाँ हमें कहाँ कहाँ घुमा रहा है, ये मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आप प्लीज़ सपोर्ट करो। गाइज अब हो रही है मेरी मैगी बनाने की शुरुआत। तो सबसे पहले हम डालते हैं ऑयल इसमें, तो मैं बना रहा हूँ 2 पैकेट अपने लिए क्योंकि भाई मुझे भी सच में भूख लगी और टाइम इस टाइम जो है 3 बज रहे हैं, तो 2 पैकेट बना लेते हैं भाई। और मैं बनाऊंगा थोड़ा मसाले वाली
चरपरी मैगी बनाऊंगा मैं। अब अपना जो है तेल भी गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डालता हूँ। मैंने पहले ही बोला था कि भाई मैंने जो है ना मसालदानी में कुछ खास नहीं है, और देखो मसालदानी आदि ने ले रखी थी, इसने सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं, हल्दी में नमक मिक्स कर दिया, पता नहीं क्या क्या किया हुआ, भगवान ही जाने, जीरे में नमक मिक्स कर दिया, हल्दी मिक्स कर दी, पता नहीं क्या क्या करके रखा है इसने। तो थोड़ी देर इसको भूजने देते हैं, फिर इसके बाद इसमें प्याज ऐड कर देंगे, कर देते हैं प्याज भी ऐड यार। तो गाइज अब ये प्याज भी ऐड हो चुका है, अब थोड़ी देर इसको ब्राउन होने देते हैं। ब्राउन होने के बाद जो इसमें टमाटर ऐड करेंगे, फिर जैसे जैसे आगे होता रहेगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो गाइज मेरी मैगी में भी फाइनली तड़का अच्छे से लग चुका है, अब सिर्फ इसको 5 मिनट लगेंगे पकने को। और आदित्य अपनी देखो इतना बड़ा वॉल फिनिश कर चुका है, अब मैंने ये फिनिश करनी है। आप खाओगे? स्पाइसी होगी ये, खाओगे? हैं? खा लेगा पक्का? चलो ठीक है खा लेना, बहुत मिर्ची होगी इसमें। तो गाइज जितनी देर मेरी मैगी बनती है उतनी देर में आपको सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ, यहाँ के कुछ अच्छे अच्छे शॉट मैंने लिए हैं तो उनको दिखाता हूँ, और आपने बताना है भाई कि आपका भाई ने कैसी वीडियो बनाई है और कैसे शॉट लिए हैं, ठीक है? तो गाइज ऑलमोस्ट मेरी मैगी जो है पक चुकी है, मैं थोड़ी सी मैगी निकाल के टेस्ट करता हूँ और खाता हूँ। चलो भागो यार, मच्छर मुच्छर ना गिर जाए यार मेरे को, मैं बहुत वो करता हूँ इन चीज़ों से। तो गाइज देख लो आदित्य को बोल रहा है और दो थोड़ी सी, आजा आजा जल्दी आजा जल्दी ले ले। और गाइज मुझे ना कैमरा सेट करने में दिक्कत हो रही है, फ़ोन को सेट करने में दिक्कत हो रही है, बट चलो जुगाड़ ऐसे ही होते हैं, जल्दी आ जाओ लेनी तो ले, थोड़ी सी खा ले इससे ले ले। ठीक भाई आ रहा था मैं, चलो यहाँ आ जाता जिससे परमिशन ली थी तो उसको भी दे देंगे, बट भाई आए ही नहीं, पीछे हट जाऊँ, काफ़ी दूर है यार, इतनी दूर में जा नहीं सकता। और एक बात बोलूँ मैं खड़ा होके इसलिए खा रहा हूँ, मुझे खड़ा होके मज़ा आता है। मैंने ये भी बेड बना लिया, बढ़िया करके सेट कर दिया है, हालांकि मैं यहाँ पर भी बैठ सकता हूँ बट नहीं, खड़ा होके मज़ा आ रहा है। आगे आने वाले टाइम पे ना मैंने जुगाड़ सोचा हुआ है, कुर्सी टाइप ले लूंगा मैं गाड़ी के लिए। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कि मैं ये सारी चीज़ें ले लूँ, क्योंकि भाई उसके लिए लगता है पैसा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं पैसा खर्च नहीं सकता, बट पैसा खर्चूंगा तब ना जब मुझे सपोर्ट मिलेगी। तो चलो पहले इंजॉय कर लेता हूँ, खा लेता हूँ, फिर उसके बाद मिलता हूँ आपको, ठीक है? तो गाइज मैगी बन के पेट पूजा हो चुकी है, अब जल्दी से ये जो बर्तन है इनको थोड़ा थोड़ा मैं साफ कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ आगे का। तो गाइज अब खाना पीना हो चुका है और बर्तन भी मैंने धो दिए हैं, तो मतलब सारी चीज़ें क्लोज हो चुकी हैं। तो अब मैं दिखाता हूँ कि मैं इसमें कैसे एडजस्ट करता हूँ। एक सिलेंडर ये पड़ा हुआ है, एक ये है, ठीक है, दो सिलेंडर हो गए, प्लस ये चूल्हा यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। और ऐसा ही बॉक्स मैंने इस साइड भी बनाया हुआ है, तो देखो बर्तन भी आ गए और जितने भी दाले दुले, जैसे लॉन्ग रूट में जाना होगा हमने कभी, तो दाले दुले सारी इसमें आ जाएंगी, सारी की सारी आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है? तो
तो यहाँ पे ये मसालदानी भी आ गई। तो मतलब ये चलता फिरता घर है ये हमारा, चलता फिरता घर है ये। ये थोड़ी सी लंबी होगी तो इसके लिए मुझे थोड़ी छोटी लेनी चाहिए थी, बट चलो मैंने ले ली यार, कोई चक्कर नहीं है, इसको कुछ नहीं होता। इसको थोड़ा ऐसे रखेंगे ऐसे तो ये सेट हो जाएगी, कोई चक्कर नहीं है। और ये छुरी भी यहीं पे आ जाएगी, ये गाड़ी का ही सामान हो गया सारा। जैसे ना कहीं जाते हैं घूमने फिरने जाते हैं तो ये सारा यहीं पे रहा करेगा, ये घर नहीं जाएगा, अब ये सामान यहीं का हो गया, ठीक है। और भी आने वाले टाइम पे और भी जो सामान लूँगा मैं, वो धीरे 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 करके ये सेम बॉक्स यहाँ पे भी बना हुआ है। इसमें यार एक दिक्कत है, इसमें खोलने का लगाना है, अभी लगाया नहीं। ये अखबारें रखी हुई हैं मैंने, एक्चुअली गाँव जा रहा था तो वहाँ पर अखबार की दिक्कत रहती है, तो मैं ले जाऊँगा। ये जो होल किया हुआ है मैंने, ये उसमें वो लगाने के लिए किया हुआ है, तो अभी वो आया नहीं मेरे पास, बहुत जल्द आ जाएगा, मंगवाया है मैंने। वो हैंडल से होते हैं, वो कपड़े के हैंडल होते हैं, इसमें डाल देते हैं, नीचे गांठ मार देते हैं, उठा के आ जाता है वो, ठीक है। तो मैं अभी जुगाड़ करना नहीं चाहता, तो अगर एक बार वो कर दिया तो फिर दूसरी बार जो है वो जो मैंने चीज़ मंगाई हुई है, मतलब बोला हुआ है किसी भाई को, वो फिर मैं यूज़ नहीं करूँगा, मुझे पता है ना। तो बेटर है कि उस चीज़ को आने देते हैं फिर यूज़ करते हैं। तो इसको बंद करते हैं गाइस, ये बंद हो गया। तो एक बार जाने से पहले एक बार फिर से मैं आपको यहाँ का जो है सारा दृश्य दिखा देता हूँ, एक बार पहाड़ दिखा देता हूँ कि कितने अच्छे पहाड़ है। मुझे लगता है क्या हो सकता है आने वाले टाइम पे ना, मैंने भाई से भी बात की थी, मतलब किसकी जगह, भाई ने बोला हमारी ही, ये मेरी ही जगह है, और यहाँ पे भाई ने रूम भी बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ सामने से, ठीक है। उससे पहले मैं आपको पहाड़ दिखाता हूँ, और भाई बोल रहा था कि यहाँ पे कैंपिंग भी कर सकते हैं, तो मैं सोच रहा था कि कभी अगर कोई रात को यहाँ पे कैंपिंग करनी चाहिए। ये वाइल्ड एरिया है वैसे तो, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, बट हमने गाड़ी में होना है तो मैटर नहीं करती चीज़, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वैसे तो करनी चाहिए यहाँ पे ना, रुकना चाहिए यहाँ पे, है ना, जंगल में वाइल्ड एरिया में रुकना चाहिए, मज़ा आता है। तो रुकेंगे हम किसी दिन, ज़रूर रुकेंगे। तो उससे पहले एक बार, मैं तीन बार बोल चुका हूँ कि आपको पहाड़ दिखाता हूँ, पर दिखाए नहीं, इससे पहले कि मैं कुछ और बकवास करने लग जाऊँ, उससे पहले आप पहाड़ देख लो ये। तो गाइज ये सामने देखो, ये कैमरे से जस्टिफाई नहीं हो रहे हैं क्योंकि सामने से मुझे दिक्कत आ रही है ना दिखाने में, जो चीज़ मुझे वैसे दिख रही है आपको नहीं दिख रही है। ये जो पेड़ दिख रहे हैं ना ऊपर वाले पेड़, ये पहाड़ों में है, क्योंकि इन पेड़ों ने जो है उनकी जो डायरेक्शन है ख़त्म कर दी है। और गाइज सीरियसली बोलूँ ना, मज़ा आ रहा है, और आदित्य पता नहीं क्या शूटिंग कर रहा है, भगवान जाने। गाइज आज जो हो गया ना कि सुप के साथ ऑफ रोडिंग होगी, मैं सीरियसली बोलता हूँ, ये वाला रास्ता इतना ख़तरनाक है कि यहाँ पे गाड़ी स्किट होगी। मैं आपको गाड़ी के टायर दिखा देता हूँ कि कैसे हो रखे हैं। अब जिस पॉइंट से मैंने गाड़ी उतारी थी, उतरती बार स्किट हो रही थी, तो चढ़ती बार की नहीं स्किट होगी, मुझे नहीं समझ आ रही है भाई कैसी होगी, अब भगवान जानता है। अब देखता हूँ कि क्या बनता है आगे जाके, है ना, स्किट होती है नहीं होती है, ठीक है। एक बार आपको उसका भी मैं थोड़ा सा दृश्य दिखाऊँगा कि क्या बनता है। तो गाइस हम दोनों जा रहे थे और जो कैमरा स्टैंड है वो यहीं पे रह गया था बाहर खड़े, तो मेरी नज़र पड़ गई, तो अब आदित्य बंद कर रहा है इसको, तो बंद करके ले आएगा ये। तो अब ये रास्ता देख सकते हो, पूरा कीचड़ से भरा हुआ रास्ता है। तो गाइज अभी हूँ मैं सिसवा लेक के पास, तो लेक में पानी बहुत ज़्यादा हो रखा है, एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइज ये है सिसवा लेक, उस कोने में बोटिंग होती है, अगर आपको दिख रही होगी सामने तो, और बिल्कुल उंगली के बिल्कुल सामने बोटिंग होती है वहाँ पे। तो अभी आदित्य बैठा हुआ है गाड़ी में, अगर मैं आदित्य को बता दूं कि भाई वहाँ पे बोटिंग होती है तो ये तो पंगा कर देगा कि भैया बोटिंग करनी है, तो इसलिए ऐसा करता हूँ कि चुपचाप जाता हूँ और गाड़ी में बैठता हूँ। तो गाइज़ अभी सिसवा लेक से भी अब हम निकल रहे हैं। तो गाइज़
मुझे लग रहा है कि ये ब्लॉग जो है सफिशियंट है, इसमें और चीजें मुझे डालने की वैसे जरूरत नहीं है कि घर जा रहे हैं ऐसा वैसा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये हमने एक आउटडोर कुकिंग का और थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए मैंने और आदि ने ये इसीलिए वीडियो बनाई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर देनी चाहिए, ये सफिशियंट वीडियो है, ये 10 से 15 मिनट की वीडियो बन चुकी है, ठीक है। तो गाइज अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, कमेंट भी करना, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। तो गाइज मिलते हैं एक और ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय।